हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 29 और 30 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे वो चर्चा में रहे हैं, उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जेंटीना के पुरातत्वविदों ने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज की घोषणा की है। नीचे इसके फॉसिल्स का फोटो भी डाला है मैंने। इन्हें नाम क्या दिया गया है? चौकीसारस नेकुल इसको नाम दिया गया है। तो आप सभी पूछा जा सकता है कि मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर की खोज कहां पर की गई है? अर्जेंटीना में की गई है और नाम इसको क्या दिया गया है? चौकीसारस नेकुल। अर्जेंटीना की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है आपका ब्यूनोस आयर्स, ये इसकी कैपिटल है। और अर्जेंटीना भी एक वजह से और काफी चर्चा में है, वो भी देखेंगे। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये इन्होंने कुछ फॉसिल्स की, उसके जीवाश्म की खोज की है। अगर बात करें अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में काफी फेमस आपका डिजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है, जिसका नाम है पैटागोनियन डिजर्ट। ठीक है, पैटागोनियन जो रेगिस्तान है वो आपका अर्जेंटीना में ही पड़ता है। बोत्सवाना के ओकावैंगो डेल्टा में, तो ओकावैंगो एक रिवर है, डेल्टा में सूखे से लुप्त प्रियाई दरियाई घोड़ा जिसको आपका हिप्पो बोला जाता है या हिप्पोपोटामस पूरा नाम है, इसका खतरा पैदा हो गया है, जिससे उन्हें मौन के पास, मौन एक जगह है वहां पर, उसके पास पानी की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ओकावैंगो डेल्टा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोत्सवाना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नीचे मैंने देखिए पूरा फोटो इसका डाला है, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर बोत्सवाना की बात करें तो बोत्सवाना का बॉर्डर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला और नामीबिया से लगता है। ये आपकी ओकावैंगो रिवर है। और देखिए ओकावैंगो जो रिवर है ये किसी भी वाटर बॉडी में नहीं गिरती, ये आप जाती है कालाहारी डिजर्ट में। ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान जो है वहां पर ये खत्म हो जाती है, यानी ये ना इस तरफ वाली वाटर बॉडी में जाती है, ना अटलांटिक ओशन में, ना इंडियन ओशन में, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में ये नहीं गिरती, ये कालाहारी के रेगिस्तान में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ओकावैंगो डेल्टा ये आपका बोत्सवाना में स्थित है। के अलावा अगर बोत्सवाना की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है गैबोरॉन। ठीक है, गैबोरॉन इसकी कैपिटल है। और बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी है इसकी पुला। ठीक है, ये इसकी मुद्रा है। इसके अलावा बोत्सवाना अभी हाल ही में और चर्चा में था, इसने जर्मनी को 20,000 एशियाई एलिफेंट्स, अफ्रीकी एलिफेंट्स देने की बात की है। तो अफ्रीकन एलिफेंट्स बहुत ज्यादा बोत्सवाना में पाए जाते हैं, और 20,000 एलिफेंट्स जर्मनी को देने की ऑफर इन्होंने किया था अभी, तो इसको भी याद रखिए। आगे चलते हैं। 60 साल की वकील एलेक्जेंड्रा रॉड्रिग्स ने अर्जेंटीना में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स, जो आपकी अर्जेंटीना की कैपिटल भी है, इसका खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तो ये 60 साल की और काफी ज्यादा उम्र में इन्होंने ये मिस यूनिवर्स का पेजेंट या टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा देखिए कुछ हाल ही में जो और पुरस्कार चर्चा में रहे हैं, न्यूज़वीक एक मैगजीन आती है जिसने वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल्स की पूरी सूची उसमें बनाई जाती है। तो भारत की तरफ से उसमें जो मेदांता हॉस्पिटल है गुरुग्राम का, उसमें इंडिया की तरफ से टॉप हॉस्पिटल चुना है, और टॉप 250 में शामिल होने वाला भारत का ये एकमात्र प्राइवेट हॉस्पिटल है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, यानी प्रेस का फोटो पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद सलेम को। ये फोटो भी मैंने डाला था, किस फोटो के लिए इन्हें मिला है, एक मृत बच्ची है उसको गोदी में लिया हुआ है, उसका एक पूरा तस्वीर को अवार्ड इस बार मिला है। CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट ये पूर्वांकरा लिमिटेड को मिला है। अर्न्स एंड फॉरेस्ट सलिवन ने 2023 की इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर, तो साल 2023 की इंडियन कंपनी STT GDC को इन्होंने माना है। तो ये आप याद रखिएगा। एक कल किताब चर्चा में रही द विनर्स माइंडसेट, तो विनर्स माइंडसेट आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत फेमस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे शेन वॉटसन, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। इससे पहले हम कुछ और किताबों की चर्चा भी कर चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। किसकी बुक है ये? सैम पित्रोदा की बुक है। ठीक है, सैम पित्रोदा कांग्रेस के एक लीडर है। इसके अलावा एक और बुक चर्चा में थी, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। ठीक है, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये बुक अभी गोवा के गवर्नर है श्रीमान पिल्लई जी। ठीक है, PS पिल्लई, उनके द्वारा ये लिखी गई है, श्रीधरन पिल्लई, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 से 15 जून 2024 तक बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया, जो कि इटली में स्थित एक जगह है, यहां पर आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 आउटरीच सत्र में आमंत्रित किया है। तो G7 की आउटरीच सेशन की
मीटिंग कहां पर होगी? बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया इटली में। 2024 G7 की अध्यक्षता इटली के पास है। G7 मतलब 7 इसमें मेंबर हैं, पहले इसमें 8 मेंबर थे, लेकिन जो रशिया है, ठीक है, रशिया को इसमें से 2014 से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि 2014 में रशिया ने जो आपका क्रीमिया है उस पर अटैक किया था। थोड़ा सा G20 के बारे में, G7 के बारे में देखते हैं। G7 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की पहली जो शिखर बैठक थी वो 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित की गई थी। प्रारंभ में इस समूह में 6 सदस्य, जिसमें फ्रांस था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के साथ G6 के रूप में शुरू हुआ था। फिर 1976 में यानी अगले साल इसमें कनाडा को जोड़ा गया जो इसका 7वां सदस्य बना। फिर 1997 में रूस के शामिल होने से ये G8 बन गया, लेकिन रिमूव्ड इन 2014 आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। जब क्रीमिया पर इन्होंने एनेक्सेशन किया रूस ने, तब इन्होंने से इस ग्रुप से बाहर कर दिया। तो वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं। शारजाह गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका जीना जस्टस को 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो इस बार किसको मिला है? मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में जीना जस्टस को। तमिलनाडु के मदुरई में अलागर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित अलागर मंदिर भगवान विष्णु के 108 निवासों में से एक है, जिसे कल्ला झागर के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी चर्चा में क्यों था, हमने कभी महोत्सव कवर किया था, चिथिराई कार, चिथिराई कार महोत्सव, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु जो इस महोत्सव का समापन होता है वो इसी अलागार मंदिर के पास स्थित वैगई रिवर में, ठीक है, वैगई रिवर है वहां पर जाकर ये समाप्त होता है। तो आप अलागार मंदिर याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ये अभी न्यूज में था। खान मंत्रालय जो आपका माइनिंग मिनिस्ट्री होती है, लोधी स्टेट में इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय क्रिटिकल मिनरल्स समिट आयोजित कर रहा है, और इसमें क्या है आपका लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना इसका मुख्य विषय रहेगा। तो क्रिटिकल मिनरल्स समिट आपकी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। राजा रवि वर्मा, इंडिया के सबको पता होगा, बहुत फेमस पेंटर रहे हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति यानी इसकी पहली ओरिजिनल कॉपी होगी, इसका अनावरण केरल के किलीमनूर पैलेस में किया जाएगा, जहां प्रख्यात कलाकार का जन्म 1848 में उनकी 176वीं जयंती समारोह के अवसर पर हुआ था। तो हमें याद रखना है पेंटिंग इंदुलेखा, अगर आपसे पूछे इंदुलेखा नामक पेंटिंग किसकी है, तो राजा रवि वर्मा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो हाल ही में नवरत्न का दर्जा IREDA को मिला है, जो रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते हैं। इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है। तो इसको आपको याद रखना है, इसमें वैसे तो 10 साल की सजा है, 10 years, ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम सजा आपकी 15 साल तक की भी जा सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा इनको लगेगा तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला एक कड़ा कानून किसने पारित किया है? इराक ने। इराक की जो कैपिटल है वो है आपकी बगदाद, और करेंसी है इसकी इराकी दीनार, ये इसकी करेंसी है। इसके अलावा देखिए अभी एक और इसी तरीके कानून बहुत चर्चा में है, जिसका नाम रखा गया है रुवांडा प्लान या रुवांडा स्कीम, इसको बोला जा रहा है रुवांडा स्कीम या रुवांडा प्लान। क्या है देखिए, 1 जनवरी 2022, और ये कौन सी देश ने किया है, ये यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो 1 जनवरी 2022 के बाद ब्रिटेन में इलीगल या अवैध तरीके से आया है, तो उसको वापस हम रुवांडा भेज देंगे, ठीक है। रुवांडा एक अफ्रीकी देश है, तो रुवांडा एक काफी प्लान है या एक एक्ट है जो अभी लगातार चर्चा में रहा है। ईरान ने रूस के लैंसेट जैसा दिखने वाला एक नया कॉमिकेज ड्रोन का अनावरण किया, जिसे लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। तो हाल ही में आपका कॉमिकेज ड्रोन किसका है? ईरान का है, और रूस का ही एक ऐसा ड्रोन है उसका क्या नाम है? लैंसेट। तो याद रखिएगा दोनों, कॉमिकेज ईरान का है, लैंसेट रूस का है। 28 अप्रैल को यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की घोषणा की। तो आपसे सीधे पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां बन रहा है, तो ये दुबई में बन रहा है, जिसकी लागत लगभग $65 अरब यानी 2.92 लाख करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू होगा।
इसमें देखिए 5 रनवे लगभग बनाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी 5 फ्लाइट इस पर एक साथ उतर सकती है। जातीय सर्ब समुदाय के साथ बढ़ते तनाव और गिनती में उनकी भागीदारी पर अनिश्चितता के बाद कोसोवो अधिकारियों ने शुक्रवार को 1 दशक से अधिक समय में देश की पहली जनगणना शुरू कर दी है। तो अभी देखिए पिछले 10 सालों में यहां पर कोई गणना नहीं हुई थी, तो कोसोवो देश में अभी पहली जनगणना शुरू कर दी गई है। तो कोसोवो आप याद रखिएगा, ये आपका जो एड्रियाटिक सागर है, ठीक है, एड्रियाटिक सी है, वहां पर उपस्थित एक कंट्री है, और ये इसका ओपनिंग इसकी एड्रियाटिक सी में नहीं होती, लेकिन उसके आसपास जो कंट्री है जिसमें सर्बिया है, मॉन्टेनेग्रो वगैरह वाला जो रीजन है, मैसिडोनिया वाला, वहां पर ये पड़ता है। तो कोसोवो याद रखिएगा, यहां पर अभी पहली जनगणना शुरू की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री इशाक डार को पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। इसके अलावा कुछ और नियुक्तियां हाल ही में चर्चा में रही, वो भी मैंने डाली है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो बने हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बने हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं, जो इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, तो लगभग 37 साल के ये हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अभी अब्दुल फताह अल सीसी बने हैं, इनको तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। एक ये अवार्ड और चर्चा में है। इंडिया टुडे ग्रुप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर सना ने AI के नेतृत्व वाले न्यूज रूम परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन यानी INMA का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। तो आपका इंडियन इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ने, इंडिया टुडे ग्रुप की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है सना, इसको 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया है। तो देखिए यही सारे करंट अफेयर्स हमारे आज चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। Thank you so much.